ये आदमी से कोई अवार्ड ना करे, ये आदमी फ्रॉड है बिल्कुल भी। मेरे को लोगों से चेतावनी है मेरी कि आदमी से ये कोई अवार्ड ना करे, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है, सबसे फ्रॉड करता है, सबका पैसा रखता है, किसका नहीं देता है। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। आज हम मौजूद है तलोजा में, अब्दुल करीम पटेल हमारे साथ। 1,81,00,000 रुपए की फसूनी हुई है, क्या उसकी डिटेल्स है, किस तरह से इनके साथ में फसूनी हुई है, फ्रॉड हुआ है, यानी के 420 का मामला है, और जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है उसका नाम जवाद मंसूर पटेल। अब्दुल करीम जी क्या बताएंगे, आज हमें आपने बुलाया है यहाँ पर, किस तरह से ये फ्रॉड हुआ है, 420 हुआ है, फसूनी हुई, क्या डिटेल्स देंगे? जवाद पटेल ने पहले हमारा कोर्ट में मेटल चालू था, जवाद पटेल में उसने डुप्लीकेट साइन मार के पेपर लिया, उसके बाद ये ऑफिस पे हम पे बुलाया उसके, उसके बाद सौदा हुआ हमारा। पहले 33,00,000 रुपए से सौदा हुआ, 700 मीटर स्क्वायर फीट का प्लाट है वो, पहले बोला 33,00,000 से सौदा हुआ, उसमें शब्बीर पटेल भी सौदे को था, हनीफ अब्दुल कादिर वो भी सौदे को था। तो बाद में जवाद पटेल बोला मैं 33,00,000 से पैसा नहीं दूंगा, 30,00,000 से पैसा दूंगा, वो चीज भी हमने मंजूर की। उसके बाद उसने वो भी पैसा हमको दिया नहीं। उसके बाद मेरा लड़का फरहान पटेल, उसके RTGS मारा 5,00,000 का, वो भी RTGS उसने फ्रॉड मारा। उसके बाद खाली हमको बोलता था 8 दिन में पैसा देता हूँ, 10 दिन में पैसा देता हूँ, 15 दिन में पैसा देता हूँ। उसके बाद रईस पटेल, वो बहुत गरीब आदमी है, उसकी बहन रुफीना वो भी बहुत गरीब आदमी है, शादी को भी पैसा मांगने गए, शादी को भी पैसा दिया नहीं, 4 दिन में देता हूँ, 8 दिन में देता हूँ, 10 दिन में देता हूँ, ऐसा 1 साल हुआ हमारे साथ में खाली चुतियाबंदी कर रहा है और फ्रॉड कर रहा है, पैसा हमको बिल्कुल भी दे नहीं रहा है। तलोजा पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर FIR पटी ली है, कलम 420 है, 465 है, 468 है, 467 है, 193 है सर, इसके ऊपर FIR फट गई है तलोजा में। तलोजा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो गई है। हम सीधी बात करेंगे तैमीना अब्दुल करीम से। तैमीना अब्दुल करीम, आप क्या बताएंगे, जिस तरह से आपने FIR दर्ज करवाई है और ये फ्रॉड 420 जो हुई है, इसकी हकीकत बात क्या है, क्योंकि मामला पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है, आप बताइए। वो जवाद पटेल हमारे मामू का लड़का है और रिश्तेदार है, उसने हमारे प्लॉट लिया था, लेकिन सौदा ऐसा करके लिया था कि 33,00,000 में दूंगा मैं, पहले बोला, फिर भी शाम को उसका संदेश आया कि मैं 30,00,000 से दूंगा तुमको पैसा, तो हमने वो भी मंजूर किया, लेकिन हमको उसने पैसा दिया ही नहीं, 30,00,000 से भी हमको पैसा दिया नहीं। एक बार बोला था बैंक में मैं RTGS मारता हूँ 5,00,000 का, मेरा बेटा गया, वो भी नहीं मिला हमको, और ऐसा भी मांगते थे हम, मेरे भाई बहन बहुत मांगा, लेकिन वो देता ही नहीं, हमसे फ्रॉड किया, हमको धोखा दिया, ना हमारा पैसा देता है ना कुछ करता है। अभी मैंने FIR दर्ज की हूँ, लेकिन उसने पैसा अभी तक मेरे को पैसा दिया नहीं है, ना वो मंजूर किया है, कुछ लिख के पेपर में दूंगा कि कुछ करूंगा, लेकिन मैं क्या छोड़ने वाली नहीं हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, मैं इसके आगे भी लगे तो कार्रवाई करूंगी, लेकिन मेरे को मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मेरे को पैसा चाहिए। अभी हमारा हक का पैसा है, 1,81,00,000 का सौदा है, फिर भी वो देता नहीं है, हमारे हक का पैसा हमको चाहिए, मैं छोड़ूंगी नहीं, वो मामू का था इसलिए हमने भरोसा करके दिया, वो भाई था इसलिए दिया, फिर भी उसने हमको धोखा दिया। मेरी गरीब बहन है, गरीब भाई है, उन्होंने उनकी शादी अब भी लड़के की थी, कितने बार जाके मांगा पैसा, फिर भी वो दिया नहीं, 2 दिन में देता है, शाम में देता है, सुबह में देता है, कर करके हमको धोखे में रखा, फिर भी उसने पैसा दिया नहीं। अभी मैं आगे भी जाऊंगी लगेगा तो, फिर भी उसने दिया, अभी FIR दर्ज है, फिर भी वो मंजूर करता नहीं है, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, मैं छोड़ूंगी नहीं। जवाद मंसूर पटेल ये पहले भी चीटिंग का धंधा करते आए क्या? 420 पहले भी इसके ऊपर कुछ मामले दर्ज है क्या? बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सबसे फ्रॉड करता है, सबका पैसा रखता है, किसका नहीं देता है। गांव में भी कितने जन के पैसे रखे हैं, बाहर भी कितने जन के फ्रॉड किए हैं, धोखा दिए हैं, उसका वही वो काम ही वही है, वो सबको धोखे में रखता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर आप क्या पत्र व्यवहार करेंगे? CM एकनाथ शिंदे जी है जो थाने जिला के हमारे CM है,
उनसे क्या पत्र व्यवहार करेंगे और पुलिस प्रशासन से आप अगली कार्रवाई आपकी क्या होगी, क्योंकि ये जवाहर मंसूर पटेल और जिस तरह से फ्रॉड कर रहा है आपने बताया है, तो आगे इसको कैसा रोक लगेगी? शिंदे साहब, हम शिंदे साहब के साथ भी सीएम के पास जाएंगे न्याय मांगने के लिए। हमारे को कोर्ट में भी अभी इसने एंटीसेप्टिक बेल के लिए डाला है, हमको न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि न्यायालय हमको न्याय दे देगा। ये एंटीसेप्टिक के लिए भी गएला है, अभी ये फरार है, एंटीसेप्टिक बेल के लिए डालेला है, लेकिन न्यायालय पे पूरा भरोसा है। अगर न्यायालय से न्याय नहीं मिला तो मैं सीएम के पास जाऊंगा एफआईआर की कॉपी लेके कि हमारे साथ में फ्रॉड हुएला, ये बंदा पैसा नहीं देता हमारा। तैमीना अब्दुल करीम पटेल, जरा आप बताइए, और जो इस तरह से जो मामले करते हैं तलोजा के अंदर, ये तलोजे का ही नाम खराब कर रहा है और आप ही का परिवार का सदस्य है, लेकिन मतलब गांव बसने से पहले लुटेरे आ गए, आपको आपके वालों ने लूट लिया, आपको बर्बाद कर दिया, लेकिन बात आपकी यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। और भी जो लोग हैं उनसे आपने क्या राय मशवरा किया था कि इस तरह से हमारे साथ में इसने फसोनी की है, तो उसके ऊपर और कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या राय मशवरा किया आपके परिवार से, आपके खानदान से? उसको हम ऐसा किया कि वो भाई था ना, मामू का लड़का था, इसलिए हमने विश्वास करके ढील देंगे वो देंगा, अपना है वो देंगा, चार दिन में नहीं तो एक महीने में देंगा, एक साल में देंगा, या कुछ अपना काम आया तो वो देंगा पैसा, अपने को है अपना पैसा उसके पास ना, वो मामू का लड़का है, देंगा। उसने दिया ही नहीं, धोखा ही दिया हमको, खाली हाँ हाँ बोला दिया इसने। बहुत फरोट आदमी निकला, बहुत झूठा आदमी निकला। ऐसे आदमी को आखिरी चेतावनी आपकी क्या रहेगी? ये आदमी से कोई अवॉर्ड ना करे, ये आदमी फ्रॉड है बिल्कुल भी। मेरे को लोगों से चेतावनी है मेरी कि आदमी से ये कोई अवॉर्ड ना करे, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है, एक नंबर का झूठा आदमी है ये। हमको खाली अभी न्यायालय से न्याय मिलना मांगता है हमको, नहीं तो मैं सीएम तक पूछूंगा। हमको हमारा पैसा चाहिए, पैसा मैं छोड़ूंगी ना, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, इससे मैं आगे तक जाऊंगी, लेकिन मेरे को मेरा पैसा चाहिए। इसने पैसा देना मांगता ही है।